أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Muhammad Ilyas Gul. Our registration number MLT 120-2023. Our semester 8 है. Subject seminar है. आज का जो हमारा topic है वो malaria है. सबसे पहले malaria में हम introduction करते हैं. Malaria is a remains a significant public health challenge in Pakistan, with an estimated 3.5 million cases reported annually, WHO 2021. 2021 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान मलेरिया का पाकिस्तान में जो पब्लिक हेल्थ है ये मलेरिया इनके लिए सबसे खतरनाक चैलेंज बन गया था. The Khyber Pakhtunkhwa province, particularly the Karak region, has been identified as a high-risk area for malaria transmitted. Khyber Pakhtunkhwa, especially Karak region, ये malaria का जो सबसे पहला area था. ये इसमें बहुत ज़्यादा cases malaria के आए थे. Plasmodium falciparum, the most virulent species of malaria parasite, is responsible for the substantial proportion of malaria cases in Pakistan. Plasmodium falciparum, ये most dangerous species है malaria का, जो कि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा इसके cases आए थे, especially Pakistan में. ये प्लास्मोडियम फाल्सिपारम जो स्पीशीज है इसके केसेस सबसे ज़्यादा आए थे. डिस्पाइट द नेशनल एफर्ट टू कंट्रोल द डिजीज, मलेरिया कंटिन्यूज टू पोज सब्सटेंशियल बर्डन, पर्टिकुलरली इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज वेयर एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस इज लिमिटेड. मलेरिया का जो फैलाव था वो इन इलाकों में सबसे ज़्यादा थे, जो कि रूरल मतलब देहात के इलाके जो थे उसमें सबसे ज़्यादा थे, या रिमोट एरियाज में इनके फैलाव जो था वो सबसे ज़्यादा था 2016 के सर्वे के मुताबिक. The proposed study aims to evaluate the epidemiology of Plasmodium falciparum, malaria in the Karak region, focusing on socio-demographic, clinical, and prevention factors associated with malaria parasite prevalence and malaria. हमारा study का जो goals है epidemiology के मुताबिक, epidemiology इसको कहते हैं कि किसी इलाके में किसी बीमारी का जो फैलाव है इसका रिकॉर्ड, इसका ये ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड, ग्राफिक फॉर्म में इसका जो रिकॉर्ड होता है वो एपिडेमोलॉजी रिपोर्ट करते हैं. तो एपिडेमोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक कि प्लास्मोडियम फाल्सिपारम मलेरिया का जो स्पीशीज है वो करक रीजन में जो फैलाव है इसको हम किस तरह क्लिनिकली प्रिवेंट करते हैं, मतलब इसको बचाते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, ये हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है. जिस तरह के एनीमिया जो फैलाव कर जरिए है इसको हम इसके लिए टीमें हैं, पब्लिक हेल्थ टीमें लगे हुए हैं इसको कंट्रोल करते हैं, इस तरह मलेरिया भी हम किस तरह कंट्रोल करते हैं. द फाइंडिंग विल हेल्प टू डिज़ाइन टारगेटेड ट्रांसमिटेड एंड गाइड मलेरिया कंट्रोल इनिशिएटिव इन द रीजन. हम इस इन इलाकों में हिफाजती इकदाम को टारगेट एरिया में लगाते हैं, मतलब जो कि हाई रिस्क एरिया होते हैं मलेरिया के, इसमें हम कौन सी हिफाजती इकदाम लगाते हैं या प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं इन इलाकों में जिस इलाके में हम कोरोना को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है aims and objectives. Aims means goals and objective means focus. To determine the prevalence of the Plasmodium falciparum malaria in the Karak region. हम करक में जो मलेरिया के जो फैलाव हैं सबसे पहले इसको डिटरमाइन करते हैं, इसको इसका जो डेटा है इसको प्रोवाइड करते हैं ताकि हमको पता चल जाता है कि
चल सके कि ये कितना किस किस एरिया में फैलाव जो है हुआ है और किस किस एरिया में नहीं हुआ है। सबसे पहले इसको हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने केसेस हैं, कितना फैलाव हुआ है करक रीजन में। तो एक्सिस एसोसिएशन बिटवीन सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर to assess the association between socio-demographic factor, age, gender, education level, occupation and malaria parasite prevalence. तो दूसरा बात यह है कि हम इसको इसका पता चल लगा सकते हैं ताकि इससे कितनी उम्र के लोग मुतासर हुए और किस जीन्स के मतलब कि मेल सबसे ज़्यादा मुतासर हुए या फीमेल, और इसके अलावा एजुकेशन लेवल इससे कितने मुतासर हुआ या, और इसके अलावा ये जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कितना मलेरिया के फैलाव से मुतासर हुआ है। थर्ड, टू इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर यूज इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स विंडो नेट्स एंड हाउसिंग एंड मलेरिया अक्रेंस। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेटेड प्लान है वो ये है कि हम इन इलाकों में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, मच्छरदानियाँ मुहैया करते हैं लोगों को और बंद खिड़कियाँ लगाते हैं ताकि ये जो मलेरिया है इसको हम इससे हम लोगों को या इस टारगेट एरिया को बचा सके। नेक्स्ट स्लाइड, लिटरेचर रिव्यू। रिसर्च बाय करीम एट ऑल 2016 इन फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा ऑफ पाकिस्तान reported malaria prevalence of 29.5% with plasmodium falciparum accounting for 68.9% of the cases. The study identified inadequate knowledge about malaria prevention and control measure as a significant risk factor. So 2016 में करीम की रिसर्च के मुताबिक फाटा में जो पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें 68.9% में से 29.5% प्लाज्मोडियम फॉल्सिपरम के जो स्पीशीज हैं उसकी रिपोर्टेड आए हैं जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसको कंट्रोल करना, इसके फैलाव का जो नॉलेज है और मतलब इसका जो डेटा निकालना ये बहुत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगा है। वेल दीज स्टडी प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू मलेरिया सिचुएशन इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान देयर इज लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ मलेरिया इन द करक रीजन। The proposed study in intent to close the gap and offer the region specific data to help guide